आ जाएगा। हाँ बट 5 मिनट बहुत टाइम हो गया ना, बहुत टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया। एक पाँच एक मिनट मास रहा, हमने आते ही पूछा ना आपको इसका एग्रीमेंट है या परमिशन है। देखिए एग्रीमेंट मेरे पास अभी एनओसी पड़ा है, वो बोला देखो क्या होता है ना, आप है बोलते हैं, हम मानते हैं, बट हमें दिखाओ तो ना, दिखाएंगे दिखाएंगे नहीं तो फिर कैसे हम मानेंगे। बोलने से नहीं होता है ना भाई, प्रूफ चाहिए ना। मैं बोलता हूँ देसाई को, आप लोग बाद में उसका क्या रास्ता होगा, फिर मेरे काम बंद कर दो। मेरी लेन ऐसा नोटरी कौन है, नोटरी कौन है, डाडूं क्या तू का कहाँ पान लगते हैं विनय भाई डाड ये दे डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड नंबर भाई नंबर था 9065 फॉरवर्ड कर लेना ये सर आपको आप देख लो ना फॉरवर्ड कैसे नहीं 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 फॉरवर्ड करो अभी दिखाना है ना आपको, हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। पंच मेंबर है पंचायत का नहीं है तो आप दिखा दो ना उसको, पंचायत को दिखा दो आप फॉरवर्ड करके, हम लोग पढ़ नहीं सकते ना, मेरा भाई ग्लास नहीं है। आप देख लीजिए सर ये मैं नहीं, तुम एक तो सेंड करो वो देख के बाद एक तो हार्ड कॉपी दे दो। आप लोग का भी कैसा गलती होता है देखो, आप इतना बड़ा काम ये प्रोजेक्ट लिया रोड का, जो भी डालते पंचायत में एक इंडिविजन देना है ना, भला आपका इधर कोई चोरी हुआ ये हुआ इसका सब तरफ से इसका ये होगा, तब हमको उंगली दिखाएगा क्या? और सेकंड थिंग एग्रीमेंट का कॉपी आपको सबमिट करना है पंचायत में, क्योंकि हमें भी पता चले कौन सब्मिट कर रहा है, इतना बड़ा अभी एग्रीमेंट जो कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट लेता है सर्वे अरे कौन मंडला आपल्याला वजा गाने एग्रीमेंट बनवून घेतले ना काशीली हो ही पहिली कॉपी घे सर, कॉपी फॉरवर्ड करपा रेडी ना तेत मोड घे म्हणत आता आपको, आप जो बजिए मैं हार्ड कॉपी मतलब सॉफ्ट हार्ड कॉपी देता हूँ प्रिंट निकाल के। ए फॉरवर्ड क्यों नहीं कर रहा है, फॉरवर्ड करने में क्या इशू है आपको, ये देखिए आपको आपका कुछ फॉरवर्ड करो अभी, उधर आप आर्गुमेंट कर रहा था बोर्ड के बारे में, आपको डरना क्यों है, मैं कर देता हूँ आपको फॉरवर्ड, ये देखिए टाउन एंड कंट्री का इन्होंने करके दिया है, टाउन करके क्या करके दिया, अब जो भी है टाउन करेंगे इसका क्या होएगा क्या, बाकी ओनर ने उसको टाउन एंड कंट्री का आपको कंस्ट्रक्शन का वो है और टीसीबी हो जो भी अपना नंबर दे दो हमको क्या है, वो लीगल में होता है ना, अगर कंस्ट्रक्शन करता है उसका लाइसेंस निकालो करो ऐसा है उठा के, और पुलिस को इन्फॉर्म है आपका इधर लेबर एम्प्लॉय है, लेबर एम्प्लॉय का आपने लिया है, देखो पिछले दिन इनका गलत का भी टेम्पररी लिया है कि आपने इन्फॉर्म किया पुलिस स्टेशन पे, मतलब क्या है इनको जो अरे जो भी लेबर लगा दे पुलिस कार्ड तो देना पड़ता है, हम हमारा भी दिया है अभी वो आने के बाद में सबमिट करना है ना सर, अभी क्या होता था देखो कुछ कंट्रोल नहीं, अभी पेपर उन्होंने दिया मैं सब आप फॉरवर्ड कर, कल पंचायत में भी सबमिट कर लेना और एक परमिट भी चाहिए, अभी सॉफ्ट कॉपी आपको सब भेज दे रहा हूं, बाकी हार्ड कॉपी मंडे दिन मॉर्निंग कर लूंगा। देखो मैं अभी जैसा है तो मैं जाके वो परमिशन अभी तक नहीं दिखा रहा हूं, नाराज हो जाएगा, ये ऐसा एग्रीमेंट तुम लोग का गलती है, आप जो पीडब्ल्यूडी जो काम करता है ना आप तो पेपर वर्क सब देख के काम करता है, तो ये तो आपका ये है ना, नहीं नहीं सेकंड थिंग एग्रीमेंट सुधार नहीं इधर का कंस्ट्रक्शन है, तुमको परमिशन पंचायत लाइसेंस जो भी अभी है तो फिर आप दिखा नहीं रहे ना, अभी 2 घंटे से हम लोग वही पूछ रहे हैं आपको, आप है ही नहीं, एक कुछ नहीं देगा, क्या प्रॉब्लम है पंचायत का, अरे आज भी नहीं देगा, सब मोबाइल से ट्रांसफर हो सकता है, अभी क्या बोला हूं आपको जितना पेपर है सारा पेपर ट्रांसफर कर दिया, वो क्या आएगा बोला, एग्रीमेंट डाला कि आप काम करो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कौन सा एनओसी किसने दिया, कौन दिया वो करना, वो क्या है, वो एनओसी देता है उसका खुद का एनओसी देता है कमर्शियल जो भी वो खुद का एनओसी देता है, एयरपोर्ट बना वो बोला तुम बनाएगा क्या यार तुम भी ना का शिले मारे, वो उसका एनओसी काय के लिए चलता है ये पता नहीं है, वो खुद का एनओसी देगा है ना, हम लोग को इंजीनियरिंग से उससे क्या मतलब है आप बताओ,
नहीं आप वो इंजीनियरिंग का जरूरत नहीं उसमें उसका नहीं नहीं आप इंजीनियरिंग का सवाल उठा रहे हो हम लोग उससे लैंड से क्या मतलब है किसका पेपर है क्या है बोलने का मतलब क्या नहीं आपका बोलने का एनओसी चलता है नहीं आपका बोलने का ये मतलब है कि आपको इतना होना चाहिए समझ कि वो किसका प्रॉपर्टी ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं मेरा वो लेकिन आप इंजीनियरिंग का सवाल मत उठाओ सर आपको बता रहा एक्सप्लेन कर रहा हूं एक्सप्लेन कर रहा हूं इंजीनियर तो पेपर पढ़ता है आप अगर किसी को साइट को जाएंगे और काम करने के लिए आपको भेजा है तो आप पेपर तो पेपर नहीं पड़ेगा यार पेपर के बात है तो आप इंजीनियरिंग को सवाल मत उठाओ ना कि आप इंजीनियरिंग पे तो आप अभी छोड़ो आप इंजीनियर है हां मैं इधर का प्रोजेक्ट मैनेजर हूं मैनेजर है तो छोड़ो वो बात ये मत करो उनका बात सही है इंजीनियर है हमेशा पेपर देखना एक एक करना पड़ता है ना काम स्टार्ट करना इंजीनियर पहले पेपर देख के उसके बाद इंजीनियर को होता है कि हां पेपर ठीक है तब आपके ऊपर ये नहीं होता आप रोड का काम करते हो लेकिन ये ऐसा जो भी करता है ना संभाल के करो क्यों इनका प्रॉपर्टी का मैटर अलग है पढ़ाई सही किया या नहीं वो सही नहीं आप आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लो आप हमसे क्वेश्चन रिकॉर्डिंग करो ना रिकॉर्डिंग करो इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन काम करना है तो आप पहले क्या देखते हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आप नहीं वो बेसिक नॉलेज है इंजीनियरिंग बाद में होगा गिरा एक बाइक स्लो होके बोला मेरे को पत्थर निकालने को तो नहीं तो वो गिर जाता उधर ऐसा नहीं तो क्या उपनी तुमने बोला इंजीनियर के बारे में पूछने को इसका एक कुछ मालूम नहीं बोर्ड का और आप सुन नहीं रहे क्यों और उसको इंजीनियर को क्यों नहीं सुन रहे आप लोग मैं बात कर रहा तो चुप बैठो आप इंजीनियर को क्यों नहीं सुन रहे जब ये आपको बोलता है ये आपका कुछ नहीं ये ठीक नहीं तो आप क्यों नहीं सुन रहे हो फॉलो अप करने से और काम स्टार्ट करने में अंतर होता है जब आपका कंप्लीट हुआ आपका जो प्रोसीजर उसके बाद काम स्टार्ट करना आपकी जिम्मेदारी है ना हटा लो यार सारा सामान हटाओ ये प्रॉपर्टी इनका गड़बड़ है तो हाँ ठीक है वो कर लो अरे यार वो बेस्ट है बेस्ट आपके लिए बोलता है मुझे मैं कॉन्ट्रेक्टर हूँ मुझे रोज ये कोई और आ रहा है वो चालू चालू तो लीगल है ना कोई पूछेगा भी नहीं इतना टाइम ये तो बोल रहे हैं ना आपको पेपर देख के करना चाहिए तो ये आदमी का पेपर सही नहीं है मैं पहला पेपर देख के तो करना है ये तो बोल रहे हैं ना वो पंचायत को रिस्पेक्ट करता है ये आदमी मैं बोलता है अभी क्या करता हूं नहीं आणि नहीं मला नहीं देखे पुलिस कार्ड लेबर लगवा के हटवा दे ना पुलिस कार्ड हंगादर रावता नहीं पुलिस कार्ड कर फालसा काय किदे करतले दादा आप ना देखो आप आपके लिए तो मैं ये सब हटाओ और दूसरा जगह देखो उधर है देखो पड़ा आपका ये सब आपका ये होता है ड्रेनेज पुरेलो ड्रेनेज पुरेलो यहाँ तुम्हारा गलत हुआ है गलत हुआ इसके लिए इसके लिए सॉरी है गलत किया तभी तो हम लोग आए ना इसके लिए तो हम बोल रहे हैं अभी देखो बारिश होने वाली है इधर रास्ता पूरा ये किया है ड्रेनेज सिस्टम उसका क्या बंद पानी किधर से जाएगा ये अभी रास्ता अंदर आने के लिए ये तो वैसे भी बंद होने वाला है ये अपना जो अपना प्लान है ना लेकिन वाइटनिंग है ना ये तो ऑलरेडी हुई हमको रिमूव करके फिर से ब्रिज का वही है ना नहीं नहीं ये टॉप कोल से टॉप कोल सर्कल से हमारे पास है उसका बड़ा नहीं होता है वो फार्मागुड़ी का बड़ा है वो नहीं ये 30 मीटर से ये 4 लेनिंग है ना उधर फ्लाईओवर है उसको हम लोगों में नहीं है हम लोग का टॉप कोल आता था मेरा टॉप कोल उसके बाद उसके पहले फ्लाईओवर है हाँ हम लोगों का वहाँ तक टॉप कोल तक मैच कर लेना है 4 लेना अभी बाकी आता था उसको झंझट पसंद नहीं है इसके बारे में के लिए देसाई सर को बोलने का कोई मतलब नहीं नहीं मैं उसको कान पे डालेगा बाद में उनको ऑलरेडी मैंने बता दिया बता दो हमारा 5 हो गया हम उसको बोलेगा हम बाद में कुछ भी करो क्यों ये ऐसा इनका मैटर अच्छा नहीं ये फैमिली का मैटर है और वो किसको रिस्पेक्ट नहीं उसका एनओसी कार्ड 4 आदमी है उसके लिए काम बंद करता है।
क्योंकि वो और तीन पार्टी ये लोग भी आएगा जड़, तो आपको तकलीफ ही होगा इधर। सच्चे मैं बोलता हूँ, देखो हम लोग आया ना, हम लोग छोड़ा उसको और चार पार्टी, ये लोग झगड़ा करने को आएगा और मैटर कोर्ट में है ना। तो उसमें एग्रीमेंट में चारों लोग का नाम होना चाहिए, चारों लोग का साइन होना चाहिए। अभी सही बोला, उसको तुम बोलो, उसका सर्वे दिखाओ, बोलो तुमको ही, ये थोड़ा आपको चेक करना, ये हम लोग आपके लिए बोलता है, ये लोग झगड़ा करने को आएगा। आप लोग, आपको कोई मतलब नहीं, आप लोग भाई लास्ट एक पॉइंट नहीं है। मैं जब आया ना, चलिए इसका एग्रीमेंट वगैरह हो गया, बराबर नहीं। कल उनको पेपर सबमिट करना है, अभी वैसे भी आप अगर निकालता है ना कल हमारा इधर, मुझे इसमें इसके किसी के पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व होने का क्या मतलब है? अभी वो खुद का टाइटल है ना, वो खुद एनओसी लिया, पंचायत से भी पंजीयन लिया, तो उसका है ही नहीं अकेले, वो उसका पिताजी का भी नाम है, उसका भी नहीं, और विदाउट टाइटल वो एग्रीमेंट नहीं बना, ऐसा नहीं हुआ। वो ऐसा है, जबरदस्त क्या है वो बता रहे हैं, जो लीगल क्या होते हैं ना वो बता रहे हैं। वो आपकी बात सही है कि भाई, और एक और एक अगर पांच लोग का नाम है तो पांचों लोग का ना एग्रीमेंट में नाम होना। और एक ना टाइल्स वाले का लाने को देखता था हम लोग, उसको मना किया था, अभी वो टाइल्स वाले का एग्रीमेंट किया, 1.5 लाख या 3 लाख अभी तक नहीं दिया। अच्छा ये बताइए, अभी इधर अपने पास गवर्नमेंट का कोई लैंड है क्या? गवर्नमेंट का पंचायत का मतलब ऐसा, देखो हमारा पंचायत उधर तक है, उसके बाद बोरी में इधर है, इधर है क्या, ये एरिया में तो नहीं मिलेगा। इधर रोड का साइड, आपको रोड साइड, रोड से अगर 500 मीटर 1 किलोमीटर अंदर भी रहता है, एक है उनको बोलना पड़ेगा, खुद का ही है, टॉप का है ना, सर आगे तो यहाँ से 1 किलोमीटर खुद का है, पर्सनल है उनका, कितना 4-5 हजार होगा, हाँ हो जाएगा। मेटेरियल वगैरह स्टॉक करना है, मशीन रहेगी, आप थोड़ा थोड़ा करो ना, इधर और उधर 2 हजार में गेले आम्ही सगळे आरजीचे येतले, तसंच आमचं बोरियेचो 11 नंबर वॉर्डाचं पंच विनय पारपती आमच्या बरोबर आसा, आणि जे स्टो हे त्यांचे मटेरियल किती रोड वायडिंगचे मटेरियल दोरपाक प्लेस हांगा हे केल्ले आसा, ते पंचायती कडल्यान परमिशन घेनासतना तेणी हे केल्ले आसा, तर आमचो पंच मेंबर आसा तो तुमकां सांगतलो बरे तरेन हे हेजेर पयले। सध्या हांव आमचे आरजीचे खास करून राहुल बाब आणि पूर्ण टीम, खास करून बोरी आसा यांच्या मनातल्यान खरे देव बरे करू म्हणटा, की अशी जी एक्टिविटी आहा हे रोखड्या रोखड्या आमचे नजरे हाडटा, आणि आम्ही हे करू जाल्यार आमकां कसं खबर आसना, ते आमचे नजरे हाडटा, म्हणून हांव खरेंच हे आरजीचे हांव खरेंच मनातल्यान तेंचे देव बरे करू म्हणटा। दुसरी गोष्ट म्हणल्यार हो जो हांगा प्लॉट हांगा पळय तुमकां दिसता, जे ओनरान पळय तेंकां आपलो प्लॉट म्हणून तेंचे एग्रीमेंट केला आसा, तेका 4-5 कितले ओनर आसा टोटल, आनी तो एकटोच ओनर जो पळय आसा आपूण ओनर म्हणून तो मनमानी करता, बाकीची 2 पार्टी तेजे कडेन कंप्लेन दिली आसा, पंचायती कंप्लेन चालू आहा, आमी मागीर हे विका तेजेर हांगा इन्स्पेक्शन दवरलेले आसा, आनी हेणें ऑलरेडी आवट एंड आवट तेंचे कडेन PWD हेंचे कॉन्ट्रेक्टरा कडेन हांगा एग्रीमेंट केला, आनी आपले मटेरियल आनी हांगा शेड सगळें दवरपाक तेणें म्हाका दिसता एग्रीमेंट केला, पूण पंचायती तेजे इंटिमेशन ना कांय ना, तेका परमिशन कांयच ना, आनी तेंचो मॅटर कोर्टान आसा ऑलरेडी, तो हांकां PWD हेणें पळय कॉन्ट्रेक्ट दिला, एक्चुली तेणें ते पळोवपाक आयले 114, तेंकांय खबर ना तें, आतां आमी तेंकां सांगलां बाबा तुमचे तर हो बरे भशेन मुखार चलपा जाल्यार हे सगळे मशिनरी सद्याक काडा, तेंची फॅमिली मॅटर सारको ना हांगा, तेन्नाच हो हांगसल्लो परत एकदां हांव हे ओनरा हांव सांगूंक सोदतां, तूं बाबा हांगा एकटोच आपूण कितें सांग, तो मी काडलो तुमी ते आनी कोणा रेंटा दिला कांय पंचायती सांगप ना, म्हणजे पंचायती गरज ना तुका, तेन्ना परत येयलो तो ओनर येयला आसा, ओनर येयलो तो तेजे घे तेजे घे हां।
ना 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 ते कंप्लेंट आ रहे थे ते एक मिनट कर तू कहाँ रहा गुड मॉर्निंग खुदा